पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी को मिलेगी राहत। सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 4 कंटेनर में है 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। भारी सुरक्षा में दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचेगी ऑक्सीजन की खेप, दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयार कर रखे टैंकर। बोकारो से एमपी के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, भोपाल और जबलपुर को मिलेगा ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से आएंगे 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। दिल्ली के मोहन कॉपरेटिव का दौरा करने पहुंचे स्पेशल सीपी, सिलेंडर भरवाने वालों की लगी लंबी लाइन। केजीएल ने हरिद्वार यूनिट में शुरू किया ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद को मिलेगी ऑक्सीजन। वायुसेना ने दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर किया है लिफ्ट, पानागढ़ में होगी रिफिलिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू, रोज 2000 सिलेंडर भरने की क्षमता। ऑक्सीजन की कमी पर फूटा गुस्सा, लोगों ने घंटों किया आगरा कानपुर हाईवे जाम। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, केंद्र से मांगा है निपटने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दवाओं पर मांगा जवाब, वैक्सीन के तरीके और लॉकडाउन पर भी सवाल। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को रैली करने से रोकने में नाकाम रहा चुनाव आयोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारियों पर अगर कत्ल का मुकदमा चले तो गलत नहीं होगा। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात, हुई लंबी चर्चा। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर बात, वैक्सीन के कच्चे माल को लेकर भी चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का सहयोग के लिए जताया आभार, भारत के साथ देने के लिए किया धन्यवाद। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा अमेरिका और भारत कोरोना को हराने के लिए एकजुट। एनएसए अजीत डोभाल ने रविवार को की थी अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से बात, बातचीत के बाद कच्चे माल पर लगी रोक को अमेरिका ने हटाया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग का बड़ा बयान, कहा अब घर में भी मास्क लगाने की नौबत। नीति आयोग ने कहा कि ऐसा वक्त है कि जब संक्रमण से बचने के लिए हम मेहमानों को घर ना बुलाएं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा भय ना फैलाए, इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की लोगों से अपील, कहा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल ना बनाए। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना से लड़ने के लिए चेन तोड़ना जरूरी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें लोग। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 380 लोगों की महामारी से गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित के मामले में गिरावट, 24 घंटे में करीब 20,000 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण पॉजिटिव। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल के नर्स गिरफ्तार। दिल्ली के अशोका होटल बना कोविड केयर सेंटर, संक्रमित जजों का होगा इलाज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट, एक दिन में 48,700 नए केस, करीब 20,000 केस कम हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 524 लोगों की मौत, एक्टिव केस 6,74,000 से ज्यादा। मुंबई में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 3,876 केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों की मौत, संक्रमण दर 14% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, सरकार का हर दिन 6 से 7 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 33,500 से ज्यादा केस, 249 लोगों की मौत। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक नए मामले, 4,566 नए केस आए। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव केस 3 लाख के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, बेड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कोई नहीं है कमी। सीएम योगी बोले कुछ लोग अफवाह फैलाकर डरा रहे हैं, कहा नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। राजधानी में 24 घंटों में कोरोना के 16,438 नए मामले, 84 लोगों की मौत।
राजस्थान में एम्बुलेंस और शव वाहन के लिए किराए फिक्स, पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। राजस्थान सरकार के कोरोना से मौत पर ससम्मान अंतिम संस्कार का किया ऐलान, नगर निकायों को सारे खर्च उठाने का आदेश। राजस्थान में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की बैठक, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, 3 मंत्री आएंगे दिल्ली। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक गिरफ्तार, 9 दूसरे लोगों को भी जाना पड़ा हवाला। गुजरात में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए केस। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 215 लोगों की मौत, कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा केस, 88 लोगों की गई जान। बिहार में फिर कोरोना के नए केस, 11,000 के पार, एक दिन में 67 मरीजों की मौत। झारखंड में फिर एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, नए केस 5,500 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 201 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में सख्ती, कल रात से 14 दिनों का कर्फ्यू। केरल में बीते 24 घंटे में 21,890 नए मामले, 28 मरीजों की गई जान। तमिलनाडु में फिर 15,000 से ज्यादा कोरोना केस, राजधानी चेन्नई में सबसे ज्यादा मामले। बंगाल में करीब 16,000 कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब की मदद करेगी सेना, वेस्टर्न कमांड ने दिया प्रस्ताव। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में बनाएगी अस्पताल, आईएमए से डॉक्टर और स्टाफ की मांग की। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में पहले दिन 123 मरीज भर्ती, यहां है 500 बेड की व्यवस्था। कोरोना के मरीजों को खाना देने में जुटा स्कॉन मंदिर, एक फोन पर घर तक आएगा फ्री भोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने लगाया गुहार, तो कहा भगवान को नारियल चढ़ाओ, माने तोड़ा दब। झांसी में ऑक्सीजन की लूट, गोली मारने की धमकी देकर ले गया सिलेंडर। वाशिंग में ऑक्सीजन की कालाबाजारी, एक डॉक्टर के नाम पर अवैध रूप से मंगाए गए 50 से ज्यादा सिलेंडर। ब्लॉक में रेमडेसिविर बेचने वाले ईडी से दबोचा, 21,000 में बेच रहा था इंजेक्शन। गुरुग्राम में नहीं मिल रही है एम्बुलेंस, निजी गाड़ियों में शवों को ले जा रहे हैं लोग। राज्य के डोरंडा में खुला 100 बेड वाला कोविड अस्पताल, सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। मुख्तार अंसारी को हुआ कोरोना, बांदा जेल में आइसोलेशन में रखा गया। अनवल डॉन छोटा राजन को हुआ कोरोना, तिहाड़ जेल से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में चला सैनिटाइजेशन अभियान, रेलवे स्टेशन, बस डिपो और एयरपोर्ट पर छिड़का। शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी ग्रेटर नोएडा मेट्रो, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का निर्देश, सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेड की संख्या। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, लखनऊ के अस्पतालों में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। बंगाल में भी ऑक्सीजन की किल्लत, हुगली के अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। मालदा के वैष्णव नगर में निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की कोरोना से मौत, गंभीर हालत में लाया गया था कोलकाता। चांदीपुर के 2 उम्मीदवार कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस समर्थक रिजु घोषाल पर कुछ दिन पहले हुआ था हमला। नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 240 फेक इंजेक्शन बरामद। कोरोना से बचने का अनूठा प्रचार, कमर में नगड़िया बांधकर लोगों को कर रहे जागरूक। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर की शादी, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में समारोह। शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की हुई धज्जिया। कोरोना कर्फ्यू में चोर बेखौफ, रिटायर्ड जवान की लाइसेंसी बंदूक सहित लाखों का सामान लेकर फरार। वैक्सीन के दामों को लेकर विवाद के बीच केंद्र की पहल, सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन के दाम कम करने के लिए दोनों कंपनियों से बात।
सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कहा वैक्सीन की कीमतें कम करने की संभावना देखें। राज्य के सीएम कर चुके हैं वैक्सीन का दाम करने की मांग, देश में वैक्सीन के एक दाम की मांग की। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, लोगों तक वैक्सीन की पहुंच आसान बनाने की कोशिश में केंद्र सरकार। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। जेल से छूटे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू सीधे पहुंचे रकाबगंज गुरुद्वारा। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे सिपाही की राइफल से संदिग्ध हालत में चली गोली, इलाज के दौरान मौत। सियाचिन में बर्फ खिसकने से सेना के 2 जवानों की मौत, बाकी सभी खतरे से बाहर। बच्चों पर गिरा बच्चा, मॉइंस मैन के ने जान पर खेलकर बचाया। सरकारी गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। ब्रिटेन से चली मदद की पहली खेप, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए। बेल्जियम के ऑल्टा पहुंचने पर भारतीय छात्रों को किया गया क्वारंटीन, ऑल्टा में कोरोना टेस्ट कराने के बाद 43 में से 20 छात्र पॉजिटिव पाए गए। दुनियाभर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 31,24,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 14,78,00,000 से ज्यादा। मास्क न पहनने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर लगा जुर्माना, भारतीयों की एंट्री पर थाईलैंड में रोक। पेरिस में लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां, सैकड़ों लोग पहुंचे पार्क। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।